गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट ट्रेवलर। आइए आज हम लोग जाएंगे यासुली से ईटानगर, यानी यासुली से नाहरलगुन तक लगभग 75 किलोमीटर का रास्ता है। ये रास्ता बहुत ही अच्छा है और कहीं कहीं न्यूली कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा ख़राब भी है, मतलब काम चल रहा है, लेकिन जाने का लायक है, अच्छा ही है। तो यासुली में ये टाउन है, ये टाउन में रास्ता अच्छा है। थोड़ा टाउन के बाद जाके हम लोग को मिलाइए झील। एक्चुअली ये झील नहीं है, ये रंगा नदी है। इस नदी में बड़ा सा डैम बना हुआ है। आप लोग हमारा साथ वीडियो का अंत तक जुड़े रहिए, हम लोग दिखाएंगे रंगा नदी का ऊपर जो डैम बना था उस डैम का सारा डिटेल्स। तो रंगा नदी हाइड्रोइलेक्ट्रिकल प्लांट्स जो बोलता है, ये देखिए कितना अच्छा है। ऐसा लगता है हम स्विट्जरलैंड में है शायद। देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है। चारों तरफ एक झील का बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका चारों तरफ पानी है और बीच में एक फूल का जैसा पेड़ पौधा लगा हुआ है, जैसा कि फूलों का खेती है। और चारों तरफ ग्रीन वाटर है, उसके ऊपर पहाड़ है और बीच में ये छोटा सा आइलैंड। वाओ, कितना सुंदर है, देखने का लायक है। यह देख के दिल नहीं मानता, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये है रंगा नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट का गेट है, मेन गेट है। इससे नीचे जाते हैं और नीचे भी बहुत बड़ा एक बस मतलब टाउनशिप है, जो क्वार्टर है एम्प्लॉय लोग का। ये देखिए कितना अच्छा छोटा सा एक छोटा मोटा एक टाउन ही है लगभग, और सारी सारी घर है, लाइन बाय लाइन क्वार्टर बना हुआ है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्यूट लगता है। चलिए आगे देखते हैं। ये इस डैम के उस पार में जाके हम लोग डैम का जो बाउंड्री है उस वहाँ में जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ में फिर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और देखिए रास्ता लगभग अच्छा है। आप ईटानगर से और नाहरलगुन से लगभग 50 किलोमीटर यासुली की तरफ आके ये डैम मिलेगा। और ये डैम के खूबसूरत नज़ारा उठाने के लिए आप लोग ये नवंबर से लेके मतलब लगभग हर साल का हर समय ये देख सकता है। अभी तो नवंबर दिसंबर में पानी कम रहता है, सुंदरता कम है, और जून जुलाई में पानी ज़्यादा रहता है, उस समय जब सीनरी और भी बहुत अच्छा होता है, हर पेड़ पौधा ग्रीन और ज़्यादा होता है। और देखिए लोग काम कर रहे हैं, रास्ता बन रहा है, कुछ दिन में ये रास्ता बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप लोग आइएगा, देखिएगा ये खूबसूरत अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट में बताता रहिए कैसा लगता है, क्या चाहिए, और उस हिसाब से हमसे वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। ये देखिए डैम, ये डैम का उस पर बांध लगा हुआ है। इस पार में पानी है, उस पार में बिल्कुल सूखा पड़ा है। यही नदी बारिश में अगर पानी ज़्यादा होता है तो वहाँ से छोड़ देता है पानी, और ये रंगा नदी लहर
नीचे जाके असम में बहुत बड़ा होता है और असम में फ्लड हो जाता है। असम में फ्लड होने के ऐसे बहुत ही कारण असम में बहुत ही बाढ़ है, जो ये कारण मुख्यतः यही है, बारिश के टाइम में पानी ज़्यादा होता है, ये लोग पानी छोड़ देता है, हम लोग आसानी से डूब जाते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, हम लोग लगभग 200-300 मीटर ऊपर है उस पानी से। अभी जूम करके दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए ये बन है, इस तरफ पानी भरा हुआ है, उस तरफ बिल्कुल खाली है। दोस्तों ईटानगर से और नाहरलगन से लगभग हर आधा घंटा में सुमो इस तरफ आता है, यासुली का तरफ, आप जीरो का तरफ, और आप आ सकते हैं। रास्ता भी बिल्कुल अच्छा है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 किलोमीटर का फासला है। ये 50 किलोमीटर दूर आगे ये एक अच्छा व्यू पॉइंट है, अच्छा टूरिस्ट के लिए ये देखने का लायक है, आप लोग आ सकते हैं आराम से। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत सीनरी है, और इसका आनंद लेना चाहिए जिंदगी में एक बार होने से भी, ठीक है। इतना सारा खूबसूरत चीज़ें देखने के बाद अभी हम लोग आ गया है, असम जाने वाला हूँ। अभी ये अरुणाचल असम बॉर्डर में है। हम लोग को लिए थैंक यू दिया विजिट अगेन, और आप लोग को लिए भी थैंक यू फॉर वॉचिंग।